हेलो ऑल, वेलकम टू रेलवे की यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला की एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट मीन्स कि उसकी स्पीड जो है 160 से 200 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। ये केरला के नॉर्दर्न पार्ट को सदर्न पार्ट से जोड़ेगा, जिससे कि जो ट्रेवलिंग टाइम है काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रहा है वो लगभग 64,000 करोड़ यानी कि 64,000 करोड़ रुपीस निकल कर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है केरला में, तो केरला के जो पॉलिसी अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि फ्यूचर के डिमांड को देखते हुए हमें इस ट्रेन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ट्रेन्स की जो एवरेज स्पीड वहाँ पे निकल कर आती है वो आती है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रूट्स है उस पर बहुत सारा कर्व्स है और बेंड्स हैं। ऐसे हालात में हम एवरेज स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, इससे जो है ट्रेवलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और कम्यूटर्स को काफ़ी तरह की असुविधाएँ होने लगती हैं। जो रोड्स है वो काफ़ी कंजस्टेड हैं और उस पर आए दिन एक्सीडेंट और फैटेलिटी सुनने को मिलता है। तो ऐसे में हमें फ्यूचर के नीड्स को देखते हुए इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का फीचर्स क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेगा, जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 220 किलोमीटर पर आवर होगी। और यह ट्रेन जो है तिरुवनंतपुरम जो केरला की राजधानी है उसको कासरगोड से कनेक्ट कर देगा। तिरुवनंतपुरम जो कि सदर्न पार्ट है और कासरगोड जो कि नॉर्दर्न पार्ट है, दोनों को जो है कनेक्ट कर देगा। और ये पूरी दूरी जो होगी 529 किलोमीटर यानी कि 529 किलोमीटर की होगी, जिसमें कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ेंगे और 11 रेलवे स्टेशंस होंगे। ट्रेवलिंग टाइम को अच्छा खासा ये रिड्यूस कर देगा और अप्रॉक्सीमेट 4 घंटा लगेगा आपको अगर ये ट्रेन 200 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है। तो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KRDCL के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है केरला गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में। ये प्रोजेक्ट अनुमान है कि 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो ट्रेन चलेंगी वो होंगी EMU टाइप की यानी कि इलेक्ट्रिकल मोटर यूनिट टाइप की, जिसमें कि 9 से लेकर 12 कार हो सकती हैं और अप्रॉक्सीमेट 700 पैसेंजर्स इसमें बोर्ड कर सकते हैं। तो फ्यूचर नीड्स को देखते हुए ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की अति आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि केरला के लोगों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा सहूलियत जर्नी को सहूलियत बनाने का काम करेगा। सो थैंक यू वेरी मच।